आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। तुम वचन मुझसे मत उलझना, वैसे भी अजमेर के सैनिक तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करने के लिए पागलों की तरह तुम्हें खोज रहे हैं। अजमेर मेरा क्या करता है तुम इसकी चिंता मत करो, तुम इसकी चिंता करो कि अब मैं तुम्हारा क्या करता हूं। कुंवर पृथ्वी की रक्षा के लिए देश की आन के मोल पर हजार जाने भी जाए तो समझूंगा नमक का मोल चुका दिया। शत्रु है जो ये नहीं चाहता कि अजमेर का उत्तराधिकारी जन्मे। महारानी, ये जगत माता नहीं, कोई बहरूपिन है। आगे मत बढ़ो, आगे मत बढ़ो, नहीं, मेरे बच्चे के पास मत आना, मैं तुम सबको मार डालूंगी। हमारे कुंवर का कोई हाथ नहीं लगाया, कोई हाथ नहीं लगाया। अरे भी, हम सबको मार डालेंगे। तेरे कुंवर के पास कोई नहीं आना, जो भी कुंवर के पास आएगा हम सबको मार डालेंगे। तू जा, तू जा, तू जा, तू जा। क्या कर रही है? सबको मार डालेंगे। महारानी, संभालिए अपने आप को। देखिए, यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ आपकी अनुचरी है। देखिए, भाली अपने आप, क्या कोई नहीं। अपराधी हूं मैं आपका महाराज, अपने हाथों से मृत्यु दंड दीजिए मुझे। मैंने ही बच्चन सिंह को रावण बनाया था। अगर आपको मृत्यु दंड देकर भी हम शत्रु को पकड़ सकते तब भी हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि आप तो हमारे अपने सबसे विश्वसनीय। किंतु महाराज, इस घटना का उत्तरदायित्व मुझ पर था। ये घटना हमारी चिंता का विषय नहीं है, हमारी चिंता का विषय है विश्वास और अविश्वास। अगर बच्चन जैसा व्यक्ति हमें धोखा दे सकता है तो हम किस पर भरोसा करें, किस पर नहीं। प्रणाम महाराज। नहीं नहीं, आप उठिए नहीं, विश्राम कीजिए। अब ये कैसे हैं वैद्य जी? घाव गहरा है महाराज। हम आपका धन्यवाद कैसे करें, आज आपके कारण हमारा परिवार सुरक्षित है। धन्यवाद मेरा नहीं महाराज, ईश्वर का कीजिए, करते तो वो है सब कुछ। हम तो केवल माध्यम है बस। परंतु आज आप हमारे लिए राम का अवतार बनकर आए। नहीं नहीं महाराज, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है महाराज कि मैं आपके कुछ तो काम आ सका। महाराज,
दशहरे की परंपरा के अनुसार यह अनुष्ठान तभी संपूर्ण हो जाएगा जब जब रावण के पुतले को अग्नि से दाग दिया जाएगा। महाराज आप आज स्वयं अपने हाथों से इस बुराई के प्रतीक रावण को अग्नि से दाग दीजिए महाराज। लखनपाल, हमें पूरा विश्वास है कि एक दिन हमारे सारे शत्रु इसी तरह जलकर राख। अवश्य मंत्री भाई, जहां के राजा राम हो वहां रावण कब तक जीवित रह सकता है? एक न एक दिन तो उसे भस्म होना ही है इस न्याय की पवित्र अग्नि में। वचन मुझसे मत उलझना, वैसे भी अजमेर के सैनिक तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करने के लिए पागलों की तरह तुम्हें खोज रहे हैं। अजमेर मेरा क्या करता है तुम इसकी चिंता मत करो। तुम इसकी चिंता करो कि अब मैं तुम्हारा क्या करता हूं। कुंवर पृथ्वी की रक्षा के लिए देश की आन के मोल पर हजार जाने भी जाए तो समझूंगा नमक का मोल चुका दिया। अभी भी ऐसा नहीं लगता कि बच्चन सिंह जैसा व्यक्ति विश्वासघाती हो सकता है। पृथ्वी पर निशाना था उसका। अगर कोई कहे कि सूरज पश्चिम से निकला है तो हम मान लें, परंतु बच्चन सिंह और राजद्रोह मन नहीं मानता। महाराज की जय हो। बोलो लखनपाल, क्या समाचार लाए हो? महाराज, सीमांतर गांव से किसी स्त्री के दाह संस्कार होने की सूचना हमें मिली है, जिसका हुलिया बच्चन सिंह की पत्नी से मिलता है। तलवार के घाव के निशान थे उसके शरीर पर, परंतु जो व्यक्ति उसे लेकर वहां आया था लोगों ने उसकी कदकाठी बच्चन सिंह से बिल्कुल ही अलग बताई है महाराज। किंतु लखनपाल, उसका एक बच्चा भी तो था, उसका क्या हुआ? मंत्रीवर, उसके बारे में हमें कोई सूचना नहीं। ठीक है, तुम जा सकते हो। बेका नहीं है, मजबूर किया गया है उसे। पिछली गिरी है उसके परिवार पर। कौन हो सकता है षड्यंत्र के पीछे? कौन है षड्यंत्र के पीछे? किसे मारना चाहते थे हम? बचन सिंह, वैद्य या चपला को? हमने जितने भी मोहरे चले अपने ही हाथों मारना पड़ा उन्हें। और वो पृथ्वी,
जिसकी घात में हम इतने समय से बैठे हैं, हाथ में आते आते निकल जाता है। समझ में नहीं आता ठाकुर जी, कहां कहां चूक हो गई हमसे? चूक ये हुई है महीपत कि हम भरोसा करते रहे तुम पर, इस पर उस पर, आशा करते रहे कि कभी तो वो समय आएगा जब समय महीपत ये भी तो हो सकता है कि विधाता ने ये समय निश्चित ही न किया हो उसकी मृत्यु के लिए। क्या? मैं कुछ समझा नहीं ठाकुर जी। परंतु हम समझ गए। अब हम कुछ समय के लिए शांत रहेंगे और प्रतीक्षा करेंगे सही समय की। समय स्वयं हमें संकेत करेगा हमारे अगली बार के लिए। आज गुटुरुवन चले हैं पृथ्वी, हुलस उठा है राज परिवार। आज गुटुरुवन चले हैं पृथ्वी, गुटरुवन चले हैं पृथ्वी, हुलस उठा है राज परिवार। माँ की ममता की है छांव और पिता का स्नेह अपार। प्रेम शोर की गुट्टी है ये, प्रेम शोर की गुट्टी है ये, कुल गौरव का ये संस्कार। स्वाभिमान की ये है दीक्षा, स्वाभिमान की ये है दीक्षा। जय पृथ्वी जय पृथ्वी। रुक जाइए पृथ्वी, यदि आप नहीं रुके तो हम आपको बहुत मारेंगे। रुक जाइए, रुक जाइए पृथ्वी, रुक जाइए पृथ्वी। बहुत दौड़ाया आपने हमें। राजमाता, आपके पांव भारी हैं। कुछ ही महीनों में कुंवर जी आ जाएंगे हमारे, ये भाग दौड़ उन्हीं के लिए छोड़ दीजिए। राजमाता वो माँ, वो अजमेर के लिए निकलने में कितनी देर है अभी? हम तो कब के तैयार है जजन, परंतु तुम्हें अवकाश कहाँ है? राजमाता काका चल रहे हैं ना हमारे साथ? कुछ समझ में नहीं आता उनका। पृथ्वी के जन्मदिन पर हमें सह परिवार वहां पहुंचना चाहिए था। वहां आए सभी महाराजाओं को ये देखना चाहिए कि अजमेर और कन्नौज सदा ही एक ही परिवार जैसे हैं। परंतु तुम्हारे काका पर काका अपनी स्वास्थ्य न ठीक होने की बात कह रहे थे, इसीलिए हमने उन्हें यहां बुलवाया है कि आपसे नहीं कर सकेंगे वो कोई बहाना। राजमाता आपने हमें याद किया। ठाकुर जी आप चल रहे हैं ना हमारे साथ? जी राजमाता, यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक होता तो हम अवश्य। ठाकुर जी हम युद्ध भूमि में जाने को नहीं कह रहे हैं, विश्राम तो वहां जाकर भी किया जा सकता है। जी राजमाता हम समझते हैं, पर क्या काका, अब ना मत कहिए, आप साथ रहेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। यदि महाराज का आदेश है तो? आदेश नहीं काका, इच्छा है हमारी कि आप साथ चलें। ठीक है, हम सोच कर बताते हैं। स्टार
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।